ये हमारा रूम है जिसकी हमें फॉल सीलिंग करनी है, उसका सेक्शन कट करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम पॉली लाइन से अपने पूरे सरफेस की बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर ली। अच्छा, लेयर बना लेते हैं, एले एंटर, न्यू लेयर पे गए। अब हम क्या चीज़ वर्क कर रहे हैं इंटीरियर में, तो आर्किटेक्चर के अंदर हो सकता है या अलग से फील्ड भी हो सकती है इंटीरियर की। जैसे कि कोई सेपरेटली हायर कर रहा है इंटीरियर डिज़ाइनर को, तो ID डैश, ठीक, हम किस चीज़ का वर्क कर रहे हैं, फॉल सीलिंग। ठीक है, फॉल सीलिंग। अब फॉल सीलिंग में क्या क्या दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम क्या चीज़ दिखा रहे हैं, मास्टर बेडरूम की है। तो फॉल सीलिंग डैश मास्टर बेडरूम, ठीक है, इसको एक्टिव कर दिया। पॉली लाइन को लेयर में कन्वर्ट कर दिया हमने अपने वाली। अब मुझे इसको, इस पे कहाँ पे फॉल सीलिंग पड़ रही है वो हमें ड्राइंग में पहले दिखाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम कोव टाइप की देंगे। किस टाइप की, मैंने रेफरेंस की ड्राइंग भी आपको दिखाई, इमेज इस टाइप की फॉल सीलिंग दे रहे हैं हम। इसमें ये चारों तरफ कोव रहेगा हमारा, यहाँ पे बीच में गैप रह जाएगा, इसके अंदर भी यहाँ पे कोव रहेगा। सो ऐसा देने के लिए इसका प्लेटफॉर्म जो है वो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 18 इंचज़ का चारों तरफ से मैंने कर दिया ऑफसेट। अभी आप देख सकते हो कि एक के ऊपर पूरी सॉलिड लाइन आ रही है। दोनों के कलर वेरिएशन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको डाउन लाइट कर दें या फिर अपनी फॉल सीलिंग को लाइट कर दें। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके इसको डाउन कर देता हूँ मैं। इसका कलर होने का, मैं ब्लॉक एडिटर पे जाता हूँ, ओपन किया मैंने इसको, इसको सेलेक्ट करके लाइट कर दिया हमने, ठीक है। अब चारों तरफ से 18 इंचज़ का गैप ले लिया हमने। इसको फ्लैट कर, अब देखो यहाँ पे हमारी वॉल फ्लैट थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉल सीलिंग को भी मैं वैसे ही टर्न करके बनाऊंगा। हम इसको क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट कर दिया हमने इसको। इस पे कोव आएगा हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। यहाँ पे हमारा एक चीज़ और आप देखोगे, टीवी यूनिट आएगी यहाँ पे। इसके बाद जब लाइट लगेगी तो यले प्लेटफॉर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसको 1 फिट और ले लिया, यहाँ पे लाइट आ जाएगी हमारी। अच्छा, अब इस पे हैच करना होगा हमें। मैं इस वाले प्लेटफॉर्म को भी ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि सीलिंग के रेस्पेक्ट में कम से कम बेड क्या हो, सेंटर में लगे हम सीलिंग के रेस्पेक्ट में, है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ कर लिया। अब इसको मैंने क्या किया, 1 फिट कम है, 1.5 फिट मैंने ऑफसेट किया इसको अंदर, ठीक है, 1.5 फिट ऑफसेट कर दिया, ठीक है भाई। अब हैच कमांड पे चलते हैं हम, एच एंटर किया, आप कोई भी हैच ले लो, हैच डायरेक्ट फिल नहीं करेंगे। मैंने वापस से टी एंटर किया, यहाँ पे गए, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आउटर वाला सेलेक्ट किया और इनर वाला सेलेक्ट किया, उन दोनों के बीच में फिल हो रहा है, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पा रही। आप इससे फिल कर लो या किसी भी दूसरे एलिमेंट से फिल कर सकते हो। अच्छा, इसको फिल करने से पहले एक काम और करेंगे हम, वो काम क्या है, इसमें लाइट्स लगेंगी, तो
तो लाइट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नाइन इंचेस का पट्टा दिया चारों तरफ, यहां पे सेंटर पे लगाने के लिए मुझे इसके मिडल पे रखना होगा, 2.5 फिट का पैसेज है ये। अच्छा आप इसमें एक काम और कर लो, मैं इसको पूरा इसके लेवल पे लेके चलता हूँ, ये रास्ता है ना इसका पूरा प्लेटफॉर्म। हाँ ये 3 फिट का पूरा कर लिया हमने, ये पूरा एक इवननेस थोड़ी सी इसमें दिखेगी हमें। अच्छा अब इसको मैं 9 इंचेस ऑफसेट करता हूँ, इधर से 9, ठीक है, लेकिन इधर से भी ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे मिडल पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से 9 पे ऑफसेट करना पड़ेगा ताकि बराबर का क्या पाए। अच्छा लाइट के लिए लगाने के लिए मैंने सर्कल बनाया, डायमीटर दिया मैंने 5, इसको ब्लॉक बना दिया, सीलिंग लाइट। यहाँ आ गई, और इसके कोई बात नहीं, इनको मूव कर देते हैं बाद में। ठीक है, ऐसे ही आप इस पे डिवाइड करके बीच में यहाँ पे भी 4 दे सकते हो। लाइन बनाई हमने, DIV एंटर किया, इस पे 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया हमने इसको। यहाँ पे रख दिया, हो गया। अच्छा इसमें तो चारों तरफ यहाँ लगा दी हमने, इसको डिलीट कर देते हैं, उसकी ज़रूरत तो है नहीं। इसके अंदर भी चारों कॉर्नर पे लाइट देते हैं हम, तो मैंने 9 इंचेस इसको भी अंदर कर दिया, अब बीच में यहाँ पे क्या रखेंगे हम, फैन यूनिट आएगी हमारी। अच्छा अब वर्क करने से पहले इस पे सीलिंग पे कहाँ कहाँ पे POP वर्क होगा उसके लिए क्या करते हैं, हैच कमांड पे गए, आप कोई भी हैचिंग पैटर्न ले लो, आप चाहो तो सैंड भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके आउटर वाला दिया, इनर वाला दिया, हैच हो गया पूरे प्लेटफॉर्म पे। पूरे पे हैच हो गया, वापस से हैच कमांड पे गए, इस पे हैच किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने,
उस पर से हट गया, वापस से हैच एडिट पे गया मैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने, हैच एडिट पे जाके ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, इनको सेलेक्ट कर दिया हमने, जिससे क्या होगा उसके ऊपर हट जाएगा। अब इसमें चारों तरफ लाइट आई, लाइट भी तो देनी है, लाइट के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट पे गए 1.5 इंचेस से 2 इंचेस अंदर, इसको ऑफसेट, इसको अंदर ऑफसेट, क्योंकि लाइट कोव में लगेगी, अंदर लगेगी। लाइट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन टाइप पे चलते हैं, LT एंटर किया, लोड पे गए और यहाँ पे ये वाली लाइन टाइप आ रही है फेंसिंग वाली, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, सेलेक्ट किया इसके लाइन टाइप को, फेंस लाइट ले लिया, इसको सेलेक्ट करके PR एंटर किया मैंने, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, लाइन टाइप स्केल 1 लगी हुई है, 2.5 कर दिया, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज कर दिया हमने, कोई भी कलर ले लो आप, हो गया। इसको फिर क्या कर देंगे, मैच भी हो गए। अब इसमें बीच में कहीं पे आपको वुडन प्लेटफॉर्म देने तो वो भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, हम फॉल सीलिंग्स को जनरली क्या करते हैं, अलग से कॉपी करके दिखाते हैं, तो मैंने कॉपी करके साइड में रखा, और बाकी एलिमेंट को ट्रिम करके हटा दिया मैंने। हो गया तैयार, अब टेक्स कमांड पे गए हम, यहाँ पे हमने लिखा LVL लेवल, ठीक है। अब कोव हमारा डाउन होता है, कितना डाउन होता है ये मैंने बताया भी था पहले आपको, मिनिमम 11 इंची का से कम पे नहीं डाल पाते हैं हम कोव, अगर डालेंगे मतलब अगर POP जैसे आपके चैनल वाली पड़ती है तो वो 11 इंच से कम पे नहीं डाल सकते हम, ठीक है। उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं आपका, देखो 2 इंची का नीचे का आपका उसका प्लैंक आ जाएगा, फिर ग्रूव आएगा 4 से 6 4 इंच का कम से कम ग्रूव रहेगा, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 इंच, फिर ऊपर भी तो पीओ पुट्टी रहेगी हमारी, ठीक है। तो आपका जो ये लेवल आता है ये कम से कम आपका 11 इंची डाउन रहता है। तो मान लिया सपोज हमने कहीं पे कम करना होता है तो फिर क्या होता है उसमें वॉल सराउंडिंग वाली वॉल पे ही अटैच करके देते हैं, बीच में हम लटका के नहीं दे पाएंगे, बीच में लटकाना है तो हमारा 11 इंची डाउन करना पड़ेगा उसे। जैसे ये वाला एलिमेंट है ना, ये जो है बीच में लटका हुआ है पूरा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 11 इंच डाउन करना पड़ेगा। तो इसको मैंने प्लस, सॉरी सीलिंग के रेस्पेक्ट में तो माइनस 11 इंच,
माइनस के 3 इंच पर रखा इसको। इसका लेवल भी 11 इंच रखा। अब इसमें ये दिखा दी, ये लाइट हो गई, ये स्ट्रिप लाइट हो गई, ठीक है। और आप इसको जैसे मैंने इस तरीके से दिखाया, आप हैच करके भी दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट ने हैच करके दिखा रखा है बकायदा, तो आप चाहो तो हैच करके दिखा दो, आप चाहो तो इस तरीके से दिखाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके बाद हमें इसका सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से लाइन टाइप पर चलते हैं। मैंने पहले लाइन बनाई, हेलो। अच्छा, अब हमने इसका सेक्शन कट करना था। सेक्शन कट में ही हम डिटेल दिखा पाते हैं, तो सेक्शन कट करने के लिए मैंने क्या किया, पॉली लाइन ली, PL एंटर किया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इनके साथ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने नाम दिया ए, ए डैश दे दिया। इसको सेलेक्ट करके लाइन टाइप को मैंने इसको कन्वर्ट किया, लाइन टाइप हम लेते हैं इसके लिए अदर पे गए, सेंट्रल लाइन टाइप लोड पे गए, सेंटर लाइन आ रही है, सेंटर या फैंटम दोनों में से कोई एक लाइन टाइप लेते हैं इसके लिए। हम सेंटर लाइन टाइप लिया, लाइन टाइप स्केल को मैंने इसके 2 किया, छोटी हो गई है। अब मैंने LTS लिखा, लाइन टाइप स्केल, और यहाँ से मैंने इसको स्केल को 2.5 टाइम कर दिया। वापस से LTS लिखा, 5 टाइम कर दिया मैंने, ये बना दिया हमने। एक हॉरिजॉन्टल और एक ले लेंगे वर्टिकल। अब एक जगह तो हमने ए लिख दिया था, दूसरी जगह क्या लिखेंगे, डी बी डैश। हो गया। अब इसके अबाउट सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन कट करने के लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया। पहले सबसे पहले किसका रेफरेंस ले लेते हैं, हम वॉल का। अब हम सामने देख रहे हैं उनके एलिमेंट्स का रेफरेंस लेते हैं। वॉल यही आ रही है हमारी, नीचे बॉटम में हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई,
इनको ट्रिम कर दिया नीचे से। फ्लोर से सीलिंग की हाइट 10 फिट, फ्लोर के नीचे 6 इंचेस का स्लैब, इसके नीचे भी 6 इंचेस का स्लैब। आरसीसी का स्लैब होगा ये, नीचे भी आरसीसी का स्लैब होगा। सेक्शन कट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वॉल में हैच कर देते हैं, एच एंटर किया, टी एंटर किया, सेटिंग यहाँ से हैच पैटर्न को चेंज किया हमने, वॉल के लिए अलग पैटर्न ले लिया हमने, इधर भी और इधर भी। ओके, अब सीलिंग पे किस चीज का हैच होगा? कंक्रीट होगा। अच्छा, सीलिंग पे करने से पहले मुझे एक बात बताओ, इसकी भी हैचिंग अभी रोकते हैं। कॉलम होंगे यहाँ पे, कॉलम के ऊपर क्या गया होगा? बीम है ना, तो यहाँ से 9 इंचेस ऑफसेट किया मैंने, इधर 9 इंचेस इधर और 6 इंचेस डाउन कर दिया। ये क्या हो गया हमारा? ज़रूरी नहीं है बीम 6 इंचेस ही डाउन हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं 9-9 इंचेस डाउन भी लिए जाते हैं। तो अगर 9 इंचेस होगा तो आप इसी को 3 इंचेस और डाउन कर देगा, यानी कि ये पड़ गया आपका 9x18 का बीम चल रहा है, 6 इंचेस स्लैब में कवर हो गया और 9 इंच नीचे आ गया, सॉरी 9x18 नहीं 15 इंची का बीम है, 9x15 इंची का बीम चल रहा है, ठीक है, ड्रॉप बीम के तौर पर। तो बीम जहाँ पे आएगा वहाँ पे उसका, अब कहीं भी हो सकता है बीच में बीम आ जाए तो वो बीच में से ड्रॉप ले लिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हैच करते हैं इधर और इधर, हो गया। वापस से हैच पे गए, टी एंटर किया, कौन सा लिया यहाँ से? कंक्रीट, वन पे कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसके कोव का रेफरेंस लेते हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर, कोव के रेफरेंस पॉइंट ये आ रहे हैं ना, इन दोनों को पिकअप कर लो आप दोनों तरफ से। इसका ड्रॉप यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, 11 इंच से 1 फिट का ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जितने का होगा उतने इंच यहाँ से आप इस सरफेस को नीचे डाउन कर दो। ठीक, अब यहाँ पे 20 mm की आपकी क्या लगेगी? प्लाईबोर्ड लगेगा, उसके नीचे फिर क्या होगा? पीओपी होगी या विनिर चिपकेगा, जो भी आप काम करवाना चाह रहे हो। तो बोर्ड की थिकनेस आपकी कितनी होती है? 18 mm का या 20 mm का बोर्ड लेंगे, यानी कि 0.75 इंचेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद पीओपी का या आप पनिंग, पीओपी पनिंग वगैरह कुछ होगी उसके ऊपर, तो उसकी थिकनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो 1.5 इंचेस तक चली जाती है, ठीक है, 1 इंचेस से 1.5 इंचेस तक जाती है। तो मैं काम करता हूँ इसको डाउन जो है वो 12 इंचेस कर देता हूँ, इसके लेवल को जो हमने डाउन 11 इंचेस किया था ना, 12 इंचेस डाउन कर दिया हमने। बोर्ड दे दिया मैंने 0.5 इंची का, ठीक। अब कोव बनेगी यहाँ पे, तो कोव क्या होगा? इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, कोव बनेगी तो ये अंदर जाएगा 4 इंच अंदर लेगा, क्योंकि कोव दोनों तरफ आएगी,
अभी इसमें हवा से तो लटकेगा नहीं ना, इस पे भी बोर्ड लगा के कवर करते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ क्या लगेगी हमारी लाइट आएगी, उसके लिए आप कोई भी एक सिंबल बना सकते हो। मैंने एक सर्किल ले लिया, इनके अंदर फिर चैनल्स लगे होते हैं जो कि आपके फॉल सीलिंग के फास्टनर से हम रोक देते हैं। इसको भी हैच करते हैं, हैच एंटर किया, टी एंटर किया, यहाँ से गए, ये वाला हैच पैटर्न लिया हमने, ओके किया। प्लाई बोर्ड को दिखाने के लिए कलर इसका करंट ही रख देते हैं। हमने ऊपर भी अब कहीं ट्रू सीलिंग पे पेंट कर देते हैं, कहीं इसको भी हम क्या कर देते हैं, हाँ डाउन कर देते हैं। हमने 3 इंच डाउन रखा था, अगर आप देखोगे तो मैंने 3 इंच उसको भी डाउन कर दिया। ये इसका सेक्शन हो गया, किसके अबाउट? कौन सी लाइन है? यहाँ पे लिखा। अब इसको पूरी टोटल हाइट दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, मेन चीज़ कौन सी दिखाने वाली है हमारी, इसकी डाउन कितनी लग रही है। तो मैंने इसके लिए भी एक पॉली लाइन बनाई यहाँ से, इसको यहाँ से आगे ले गया मैं 2 फिट। नीचे वाले एलिमेंट को आप ट्रिम कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको ऊपर रख देते हैं हम और उसको लिख देते हैं क्या हो गया, ये सेक्शन
अबाउट बी बी डैश सेक्शन अबाउट बी बी डैश हो गया। अब लीडर लाइन पे गए, डी एंटर किया, स्मॉल को एक्टिव किया, ये क्या हो गया हमारा आरसीसी स्लैब हो गया। इसके अलग अलग डिटेल बनाएंगे हम। मैंने डायमेंशन डिटेल दी, डीएलआई लिखा, ठीक है, हमने डिटेल दे दी सारी, इसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, ये बैलेंस्ड। एक्चुअल साइट पे ज़रूरी नहीं है साइजेस प्रॉपर हैं, तो मुझे साइड वाले तो साइज बराबर रखने होंगे, बीच का जो बचेगा वो बैलेंस्ड पे चला जाएगा। मैंने हाँ, साइडों से ये गैप ले लो और बीच में जो इतना बचेगा वो सारा इस पर सेटअप एडजस्ट कर दो। बट अगर आपको साइज दिखाना है तो आप इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब इनकी हाइट की डिटेल भी दिखानी होगी, अच्छा। अब इसकी पर्टिकुलरली डिटेल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल कमांड पे गए, आर ई सी एंटर किया, जितने एरिया की डिटेल आपको दिखानी है आपने उसको एक रेक्टेंगल से कवर कर लेना है। कवर कर लिया, इसको ऑफसेट कर दो आप 1.5 इंचेस बाहर की तरफ, हो गया। इसके लाइन टाइप को बदल दो आप डॉटेड शेप में, ये भी हो गया। यहाँ से इसको कॉपी करके हम रखेंगे ऊपर, रख दिया। इसको डबल क्लिक करके लिखा मैंने डिटेल एक्स, इसको आपको करना है कॉपी, साइड में रखा, डायमेंशंस हटा दो अभी के लिए, ट्रिम कमांड पे गए, इस एक्स्ट्रा को डिलीट कर दिया हमने। इसके लिए मैंने क्या क्या डी एंटर किया, न्यू बनाई एक और, इसको नाम दे दिया डिटेल ड्राइंग। टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट हाइट मैंने इसकी और कम कर दी, एरो हाइट भी कम कर दी, हो गया।
लीडर लाइन पे गए। अब ये क्या चीज़ है हमारी, टेक्स्ट कमांड से लिखा मैंने RCC स्लैब, यही रखते हैं हम। ऑर्थो को ऑफ किया मैंने, इसको मैंने मैच कर दिया इससे, सेम आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैच कर दिया हमने, अब ये क्या चीज़ हो गई हमारी। हो गया सारा, यहाँ से डायमेंशन दिखाई हमने। हो गई डिटेल पूरी, कुछ रहा तो नहीं इसमें अब। ठीक है, इसको आप फिर क्या करोगे, डिटेल एक्स इसको आपने क्या किया, ब्लॉक बना दिया मैंने। ब्लॉक बनाने के बाद मैंने इसको मूव करके साइड में रखा। अब इसका साइज छोटा हो रहा है तो इसको क्या कर दिया मैंने, टू टाइम्स स्केल कर दिया। पहले ब्लॉक बनाया फिर स्केल किया, उससे क्या फ़ायदा होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
डायमेंशन नहीं बदलेगी, डायमेंशन वही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ब्लॉक बना के स्केल किया इसलिए। और इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे कितना स्केल हो गया इसका, 2:1। ठीक है, इसकी क्लियरेंस भी आप दिखा सकते हैं यहाँ से। आ गया समझ में? सेम मैनर में अब आपको क्या करना है, ए के अबाउट सेक्शन कट करना है, बस इसमें इसके प्लैंक का साइज़ बढ़ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ कट होगा तो बीच में यहाँ क्या आ रहा है, ये क्या आ रही है हमारी लाइट भी तो दिखानी पड़ेगी ना इसमें फिर। अब ब्लॉक बनाया था तो क्या फायदा होगा, ब्लॉक एडिटर पे जाएंगे। ये इसका लाइट का कोव हो गया। इसको क्या लिख देंगे, बैलेंस्ड। ठीक है, वॉल से गैपिंग हो गई सारी उसकी, या का सेक्शन तैयार हो गया। सेम मैनर में ए के अबाउट सेक्शन कट करना है। ठीक है, हाँ भाई निराले आपको समझ में आया?